लास्ट वीडियो में हमने आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए थे और ये आपको होमवर्क में दिए थे, ठीक है। तो ये तो आसान ही थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10 थोड़ा डिफरेंट है और क्वेश्चन 11 थोड़ा डिफरेंट है, ये दोनों में करा देता हूँ। क्वेश्चन 10 देखो तो, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। 2003 में पॉपुलेशन कितनी हो गई? 54,000 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। देखो ये 2 साल पहले पॉपुलेशन आपसे पूछ रहा है। मान लो 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? एक्स थी, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, लेट एक्स बी द पॉपुलेशन इन 2001, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका पी एक्स हो गया, समझ गए। और इन्होंने कहा 2 साल बाद यानी 2003 में उसकी पॉपुलेशन हो गई 54,000। तो अगर मैं एन को कहता हूँ 2 ईयर्स के बाद कितनी हो गई अमाउंट आपकी? 54,000। तो अब आप देखो वही फार्मूला बाई, अच्छा रेट आपको दिया था उसने कितना? 5% पर एनम, पर एनम। अब आप देखिए इसमें बाई वही फार्मूला, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 होल पावर एन। तो अमाउंट तो हो गई बच्चों 54,000, उसने कहा 2 साल में, और पी हमारे पास एक्स था, और ये 1 + 5/100 हो गया, आर तो रेट है ना, और कितना? 2 साल। तो x इंटू 1 + ये हो गया 1/20, 5 × 10 की होल 2, या आप कहिए x इंटू 21/20 का होल स्क्वायर, या आप कहिए x इंटू 21/20 इंटू 21/20, ठीक है, इक्वल टू क्या? 54,000। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो, 54,000 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 × 21। तो ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे, है ना। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी आएगी? ये आ जाएगी आपकी 48979.59, ठीक है। या आप इसे कह सकते हो 48980 अप्रोक्सीमेटली, एक आपसे ये पूछा, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा इसने, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005। तो 2005 में पॉपुलेशन तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ वी हैव टू फाइंड पॉपुलेशन इन 2005। तो आप देखो 2003 में पॉपुलेशन 54,000 थी, तो अब अमाउंट कितनी हो गई आपकी? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया 54,000, ठीक है। और आपके पास में टाइम तो 2 ही साल बाद पूछा, 2005 में, रेट तो वही बताया कितना? 5%। तो आप बता दीजिए कितना? इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 होल पावर एन के फार्मूले से पी आपका 54,000 हो गया, इंटू 1 + 5/100 होल पावर 2 हो गया ना, वही। तो ये बन गया बच्चों 54,000 इंटू 1 + वही 1/20 की होल 2, या आप कहिए 54,000। तो बच्चों ये हो गया 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है, देखो कितना आता है। ये आ गया बच्चों 59,935, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और देखिए, देखिए कैसा क्वेश्चन है। इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर।
फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वॉज इनिशियली, इनिशियली मतलब शुरुआत में इतना था, यानी ये प्रिंसिपल का काम करेगा, ये रेट का काम करेगा और ये आपका एन हो जाएगा 2 आवर्स के बाद। देखिए तो अब इसमें प्रिंसिपल हो गया नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली प्रेजेंट 506000, समझ रहे, और आपका एन हो गया 2 आवर्स के बाद हमसे पूछा है, और रेट आर हो गया बच्चों 2.5% पर आवर, समझ रहे। तो वही फार्मूला हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लगाएंगे, अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, आप लिख सकते हैं यहाँ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स। तो बच्चों देखो, अब पी तो प्रिंसिपल हो गया 506000, ये 1 + R हो गया आपका 2.5/100^2, तो ये बन गया 506000 इंटू, इसकी डेसिमल हटा दो तो 1 + 25/100 और इंटू 10, डेसिमल हटने का 10^2, 25 × 4 = 100, ये हो गया 41/40, ये बन गया बच्चों 506000 इंटू 41/40^2, 506000 इंटू 41/40 इंटू 41/40। अब आप इसे सिंप्लीफाई करना तो देखो कितना आता है ये बच्चों, ये कैलकुलेशन होकर आ रहा है 531616.25, ठीक है, पर ये हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो इसमें आप जो है होल क्वांटिटी लेंगे तो आप कह सकते हैं 531616 अप्रोक्सीमेटली, है ना, लगभग, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपके ये आपका चैप्टर तो ओवर ही हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे मेरे से, ठीक है, और अभी आप अपनी तैयारी भी कर लो, और अब हम आपका अगला नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ठीक है बच्चों, थैंक यू।